छत्तीसगढ़ में चर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले पर कारोबारी अनवर डेबर, नितेश पुरोहित, त्रिलोक सिंह ढिल्लन उर्फ पप्पू ढिल्लन और आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी कोर्ट पहुंच चुके हैं और सुनवाई भी शुरू हो गई है। आज रिमांड खत्म हो रही है। ईडी तीसरी बार रिमांड मांगेगी या फिर इन्हें जेल दाखिल किया जाएगा, इसका फैसला कोर्ट में होगा। 16 मई मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में कारोबारी अनवर डेबर के मामले में सुनवाई भी है। अब इन्हें राहत मिलेगी या नहीं, इसका भी ईडी को बेसब्री से इंतजार होगा। लेकिन सूत्रों का कहना है कि तीसरी बार भी ईडी रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। सूत्रों का ये भी कहना है कि दो होटल व्यवसायी और एक आईएएस और उनके बेटे को लंबी पूछताछ के बाद उन्हें घर जाने दिया गया है और निर्देश दिया गया है कि जब भी बुलाया जाएगा तो उपस्थित होना होगा। कोर्ट में इससे पहले अनवर डेबर ने जज के सामने ईडी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए खुदकुशी की धमकी दी थी। डेबर ने जज के सामने कहा था कि ईडी उन्हें प्रताड़ित कर रही है और सीएम और उनके परिवार के सदस्यों का नाम लेने के लिए दबाव बना रही है। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा और ईडी इसकी जिम्मेदार होगी।